हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी थोड़ा दीपावली का टाइम चल रहा है, तो फिर मैं आ गया हूँ अपने गांव। तो गांव में दोस्तों तो आप तो जानते होंगे बहुत कुछ दिखाने को होता है, तो वही सब कुछ आपको हम आज लाइव दिखाने वाले हैं। फिलहाल तो दोस्तों एक जो अभी मतलब वर्षा हुई उसके चक्कर में धान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो सोचा मैंने दोस्तों कुछ आपको भी इससे रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि किसान भाइयों के धान थे बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए गए थे। फिलहाल तो अभी सब धान निकाल लिए गए हैं, क्योंकि वो अगर खेत में पड़े रहते तो सब धान ख़राब हो जाते हैं। किसान भाइयों ने किसी टाइप से सब धान निकाल लिए हैं, तो आज फिर आपको हम दिखाएंगे। मेरे भी धान ख़राब हुए हैं, अभी पानी भरा है, अभी मतलब जो गेहूँ होता है गेहूँ की रुपाई के लिए टाइम आ गया है, बट अभी उसमें पानी भरा हुआ, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, ये जो खेत है ये फिलहाल इसमें जो गेहूं है वो बो दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जो पानी था वो निकल गया है, इसमें फिलहाल गेहूं बो दिए गए हैं। और पीछे ये मेरे सामने खड़ा है गन्ना, देख सकते हैं ये गन्ना होता है, ये देख सकते हैं दोस्तों इसी से गुड़ होते हैं, वो भी इसी से सब बनते हैं। देखिए अभी फिलहाल ये मीठा तो नहीं होगा, नहीं तो आपको हम तोड़ कर और सब टेस्ट भी करके दिखाते हैं, बट अभी ये मीठा नहीं है। तो अभी और दोस्तों यहाँ वो नहीं है कि हम इसे फिलहाल, ये खेत मेरा नहीं है लेकिन मैं तोड़ सकता हूँ, अगर मुझे इसे खाना है तो मैं इसे खा सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा। ये शहर नहीं दोस्तों, गांव है, तो यहाँ पर मतलब अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करता है। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अलग। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत पर। तो दोस्तों अभी गेहूं बोने का टाइम आ गया, बट आप पीछे देख सकते हैं इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी इसे निकलने के लिए कहीं जगह नहीं है, मतलब इसे अगर तोड़ा भी जाए निकाला भी जाए वो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आधे पास सबके खेत हैं और वो भी गेहूं की वो रुपाई कर रहे हैं, तो उसमें तोड़ नहीं सकते, पानी को निकाल नहीं सकते। तो अभी इसमें कम से कम एक महीने लेट हो जाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कितना सारा पानी भरा हुआ है, ये इसमें हमें लग रहा है एक महीना अभी पूरा लग जाएगा पानी निकलने में। तो गाइज अभी मुझे यहाँ पर दो बहुत बड़े पक्षी देखने को मिले हैं, तो मैं आपको बैक का कैमरा करके दिखाऊंगा, थोड़ा मुझसे दूर हैं मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, जिसे बोलते हैं सारस, ये मतलब शहर में तो देखने को मिलता। दोस्तों इसके बारे में एक कहानी है, लॉजिक है, वो कहते हैं कि मतलब अगर सारस का कोई साथी अगर मर जाता है तो दूसरा जो उसका साथी होता है मतलब दोस्त, वो भी प्राण त्याग देता है उसके चक्कर में। पता नहीं ये कितनी बात सच है या कितनी झूठ, अगर दोस्तों आपने कोई ऐसी बात सुनी है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको मैं पीछे का कैमरा करके दिखाता हूँ, वो देखते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा पास में चलता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आप देखिए वो बहुत ज़्यादा थोड़े दूर चले गए, अभी मैं उनके पास तो नहीं, आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ बट वो थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, तो अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो थोड़ा दूर चले गए, मैं अगर उनके पास जाऊँगा तो जाना अभी ठीक नहीं है। दोस्तों ये जो गड्ढा है आप देखते हैं ये पीछे ये वाला, इसकी गहराई आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये इतना गहरा है, कम से कम नहीं इसमें जेसीबी थी कम से नहीं 15 घंटे चली थी, तो आप सोच सकते हैं कितना गहरा होगा गड्ढा, मतलब आसे पासे मेड़ बांधने के लिए इसका यूज़ किया गया था, मतलब इसकी मिट्टी जो थी आसे पासे मेड़ बांधने के लिए यूज की गई थी। हमारे यहाँ जो मतलब आसे पासे बांधे जाते उसे मेड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ये बहुत गहरा है, मैं यहाँ पर थोड़ा से दूर रहूँगा, तो चलते हैं यहाँ पर दिखाते हैं आपको गाइस यहाँ पर, अरे यार सांप था गाइस यहाँ पर, अभी भी मुझे सांप देखने में देखा मैंने, वो उधर भाग गया, यहाँ पर बैठा था जैसे मैंने पैर बढ़ाया और पानी के अंदर वो निकल गया सांप, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत गहरा गड्ढा है, तो यहाँ पर सांप हैं, मछलियाँ हैं, वो सब मेढक एडक और कछुए सब हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बैक का कैमरा करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर एक खेत है, इसमें देखिए पानी किस टाइप से भरा हुआ है, जो कि सूख नहीं रहा है, अब इसमें कम से नहीं पानी यहाँ पर कम से कम नहीं अभी 1 फुट मतलब भरा हुआ है ऊंचाई तक, और ये पानी कब तक सूखेगा ये नहीं पता, और फिर धीरे धीरे तब तक लेट हो जाएंगे गेहूँ के लिए। फिलहाल तो दीपावली तक गेहूँ थे वो बो जाते थे, लेकिन अभी जो है इसमें पानी ही भरा हुआ है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप देखिए ये सब लोगों का यहाँ पर जितने भी मतलब
खेत है सब में पानी भरा हुआ, दूर दूर तक पानी पानी दिखेगा। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं थोड़ा ऊपर, मतलब वो खेत था वो बहुत नीचे था, तो मैं अभी आ गया हूँ ऊपर बिल्कुल। तो आप पीछे देखते हैं, यह गांव में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। इसे छप्पर बोलते हैं गांव में, मतलब घास फूस से बनाया जाता है। और यह है मेरे बाबा। फिलहाल मैं ऊपर आ गया हूँ और देख लीजिए पीछे कुछ इस तरह का छप्पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ हवा बहुत अच्छी लगती है, मतलब शहर में यह सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। गाँव में हम तो रहते हैं, आपको सब दिखा देंगे लाइव बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।